वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक। तो जी, आज आप बनाने वाले हैं बहुत ही निहायत सिंपल हेयर स्टाइल, लेकिन बहुत ही स्टाइलिश लगने वाला। सो चलते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ। चलें जी, तो हमने अच्छी तरह से बालों को कॉम कर लिया। कॉमिंग अच्छी तरह से होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हेयर स्टाइल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कॉमिंग तो आपने मस्ट करनी ही है, डेली रूटीन में करनी है। वो आपके हेल्थ, जो हेयर की हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। सो हमारी बीच की बाल निकली हुई थी, हमने क्या किया, हमने ये वाला पोर्शन जो बालों का है ये हमने उठाया और उसके हमने तीन हिस्से कर लिए। थ्री सेक्शन करने के बाद जो है हमने उसकी सादी चुटियाँ करना शुरू कर दी। सिंपल ब्रेड जिसे कहते हैं वो हमने बनाना जो है वो शुरू की और हम इसको बनाते जा रहे हैं। अब आप लोग इसको मैसी लुक भी दे सकते हैं कि मैसी ब्रेड बना के भी ना। ये देखें इस तरीके से, अब हमने इतनी कर ली, इतनी हम करेंगे और थोड़ा सा और करके इसको पीछे जो है ना वो पिन अप कर देंगे। कोई आपके पास और जो है वो पिन है, क्लिप है, कुछ है ना, वो आप लगा सकते हैं। और मोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस कर देता है कभी कभी, कभी कभी जो है वो थोड़ा हो जाता है मतलब, पता नहीं इस कैमरे के साथ क्या इशू है। चले जी, अब हमारे ये जो इधर बाल जो हमारे रह गए थे ना उसकी भी हम जो है वो ब्रेड बना लेंगे। अब आप लोगों ने इसको अगर नीट लुक देना चाहते हैं तो टाइट करके कॉमिंग करके साथ साथ आपने इसको बना लेना। मैसी लुक देना चाहते हैं तो ज़रा ढीली ढाली सी बगैर कॉम के आप लोग बनाएंगे तो वो मैसी लुक हो जाएगी। तो आप लोगों को जो पसंद आए आप लोगों ने वो कर लेनी है, ठीक है। मुझे ज़रा नीट ही लुक अच्छी लगती है, तो मैं इसलिए इसको जो हेयर स्टाइल होता है उसको ज़रा नीटनेस से जो है ना वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। ये देखिए इसको भी जो है ना हम पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। अच्छी तरह से आप लोगों ने सिक्योर करना है पिन के साथ ताकि जो है ये ओपन ना हो जाए। ये देखे, चले जी, ये हमारी राइट साइड थी वो कंप्लीट हुई। अब हम लेफ्ट साइड पे आ गए। सेम इधर से भी हमने इतने वालों का पोर्शन उठाकर तीन हिस्से करके उसकी सादी चुटियां जो है वो बनाना स्टार्ट कर देनी है। अब ये हेयर स्टाइल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सादी चुटियाँ हर किसी को करनी आती है, आप लोग आराम से इसे खुद भी बना सकते हैं। ये हेयर स्टाइल ऐसा है जो खुद भी बनाया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी की ज़रूरत महसूस हो, आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा जो है हमारी ब्रेड रेडी हो गई, इसको भी हम पिन लगा देंगे। ये पोर्शन जो हमारा बालों का रह गया इसकी भी हम ब्रेड बनाएंगे। ये देखिए आप कि अभी एक ही हमने यहाँ से ब्रेड बनाई है तो किस तरह से जो हमारा फ्रेम है वो किस तरह से इन्हेंस हो गया, और जब हमारे सिंपल बाल थे तो हमारा फेस कैसे लग रहा था, बिल्कुल हमारे चिपटे हुए बाल लग रहे थे और इतनी अच्छी लुक नहीं आ रही थी। तो हमने थोड़ा सा क्या, थोड़ी सी एफर्ट डाली, हमने सिंपल ब्रेड के साथ इसको खूबसूरत सा हमने फ्रेम बना देना है अपना, और बड़ा ये जो है ना इसकी लुक बड़ी अच्छी आ जाएगी। अब ये हेयर स्टाइल बनाने के बाद आप लोग इस ओपन रख सकते हैं बाल, आप लोग पीछे बन बना सकते हैं, फ्रेंच ब्रेड बना सकते हैं, फिश टेल बना सकते हैं, इवन कोई भी हेयर स्टाइल जो है वो आप बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा लगे। ओपन रख लेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। ये जी, इधर भी हम पिन लगा लेंगे।
तरीके से पिंस के साथ हम जो सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, अब देखें लुक हो गई ना चेंज हमारी। अब कितना डिसेंट सा हेयर स्टाइल लग रहा है ये। थोड़ी सी एफर्ट डाली आपने, थोड़ा सा आपने ब्रेड बनाई और किया तो आप चीज रेडी हो गए। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की छोटी सी सिंपल सी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा यार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।